Is there any specific age to practice spirituality or celebrate festival? तो केरला स्टोरी में आपने देखा रहेगा, वो बोलता है कि हाँ बूढ़े होने के बाद फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, कोई भी एज या कुछ नहीं है, कोई भी एज से हम स्टार्ट कर सकते हैं। बाल्य अवस्था से स्टार्ट करना अत्यंत आवश्यकता है स्पिरिचुअलिटी को, क्योंकि डेथ कभी भी आ सकता है। और फेस्टिवल के ऊपर स्पेशल मैं फोकस करता हूँ। फेस्टिवल्स जो हिंदू फेस्टिवल है, कलरफुल है, ब्यूटीफुल है, ब्लिसफुल है और इनसाइटफुल है। हिंदू फेस्टिवल्स आर मेंट फॉर टू कंट्रोल लस्ट। एग्जैक्टली, बाकी कोई धर्म में, धर्म तो है ही नहीं वो लोग, बाकी कोई पंथ में कोई फेस्टिवल है ही नहीं वो लोग। फेस्टिवल मतलब क्या है? बिस्किट खाओ, चॉकलेट खाओ, है कि नहीं, लड़की घुमाओ, दारू पियो, मांस खाओ, ये फेस्टिवल है। ये तो रोज करता रहता है। और फेस्टिवल उनका कलरफुल भी नहीं है, हमारा हर फेस्टिवल कलरफुल। अब दिवाली देखेंगे, कलरफुल तो ड्रेस पहनेंगे और पूरा दिया जलता रहेगा, पर मॉडर्न एज में मॉडर्न दिया जल रहा है तो अनेक प्रकार की कलरफुल वहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ अलग दिख रहे हैं, कुछ उत्साहजनक कार्य हम देख रहे हैं, कुछ ब्यूटी वहाँ पर दिख रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या है, इनसाइटफुल रहता है कि दिवाली क्या है, भगवान राम ने रावण को मार के आए हैं, तो इट इज़ अ डे ऑफ विक्ट्री ओवर इविल। दैट इज एग्जैक्टली उसका इनसाइट है, वो सीख मिलता है। आप लेंगे होली लेंगे, वो भी फेस्टिवल है, कलरफुल फेस्टिवल है। सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पे रंग लगाते हैं, तो ये मजा आता है। रंग लगाना, कोई अभी आपको कोई रंग लगा देगा, कोई कलर डाल देगा आपका कपड़े के ऊपर, आप क्या करेंगे, उसको मार दोगे, उसका शरीर से रंग निकाल दोगे, आप ब्लड निकाल दोगे, लेकिन अगले उस दिन आपको लगाएंगे तो आपको गुस्सा आता है, मज़ा आता है, अरे और लगाओ यार, नाचेंगे। लेकिन होली है आज, तो होली के विचार आता है। होली के दिन हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स रहता है, लेकिन उसमें मज़ा आता है, ओके ना। तो ये एक फेस्टिवल है, होली हमें ये सिखाता है। कभी कभी आपके जीवन में, आपके अगेंस्ट में कोई कार्य होगा, तब क्या करना है, सहन कर लेना चाहिए। अभिराज चुप बैठो, ओके, सहन कर लेना चाहिए। तो होली का रंग से ये सिखाया जा रहा है कि आपके जीवन कभी नेगेटिव एक्टिविटी हो रहा है, आपके जीवन में कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, तो उसको आपको होली समझकर सहन कर लेना। इट्स लाइक दैट। नवरात्रि होता है, तो नवरात्रि में सिखाया जाता है कि 9 दिन हम दुर्गा माता का पूजा करते हैं, तो नारी का सम्मान कैसे करना है वहाँ पर सिखाया जाता है। और ये लोग नारी का सम्मान क्या करेंगे, ये तो नारी को जनरली खेती मानते हैं, लेकिन नहीं, ट्रिपल तलाक दे के सामान जैसे उसको चेंज करते रहते हैं। और यहाँ पर एक केरला स्टोरी में एक पॉइंट आया है, जहाँ पर एक लड़की बोलती है, अरे प्रेम में क्या है जात पात देखना है यार, प्रेम में धर्म क्या देखना है, प्रेम तो हो ही जाता है, प्रेम में धर्म को नहीं देखना चाहिए। हमारा पिता माता बोलते तू इसके साथ कैसे शादी कर सकता है, ये हमारा जात का नहीं, धर्म का जात का नहीं, इसलिए हमने सब छोड़ दिया, छोड़ कर आ गए यहाँ पर हम, हे इनके साथ विवाह करेंगे, धर्म बदल लेंगे, ऐसा बोलती है। बाद में सीरिया में जाके उसको सेक्स स्लेव बना देते हैं। धर्म देखना नहीं चाहिए, राइट, जात पात भी देखना नहीं चाहिए, राइट, लेकिन कैरेक्टर तो देखना चाहिए ना, चरित्र तो देखना चाहिए ना। तो जिस व्यक्ति के साथ आप प्रेम कर रहे हो उसका चरित्र तो समझो, चरित्र को तो परख लो, वो देखने क्या मना है क्या? धर्म मत देखो, जात मत देखो, लेकिन चरित्र देखो। और देखो उस धर्म में जो चरित्र है, कितने का चरित्र है, सब लोग चरित्र ही नहीं, चरित्र ही नहीं उनका धर्म है। तो आप लोग के पास बुद्धि होना चाहिए। तो हमारा बजरंग दल वाले लेकिन कार्य करते ऐसे लोग को मारने के लिए, बट वो लड़की को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जनरली इस प्रकार चरित्रहीन व्यक्ति के साथ संबंध नहीं रखना है। तो धर्म मत देखो, जात मत देखो, बट चरित्र को देखो, दैट इज द पॉइंट। तो इस प्रकार फेस्टिवल्स भी देखेंगे तो हमारा जो फेस्टिवल्स है कलरफुल है, इंसाइटफुल है, ब्यूटिफुल है, ब्लिसफुल है, उनके पास कुछ फेस्टिवल्स है ही नहीं। इसीलिए हर सनातनी को, हिंदुओं को अपना फेस्टिवल्स को क्या है, प्रेम के साथ, उत्साह के साथ पालन करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। इसलिए फेस्टिवल को क्या कहा जाता है, उत्सव कहा जाता है।
उत्सव किस लिए कि उत्साह के साथ उसको करना है, इसलिए उत्सव कहा जाता है।